So I'm inside the kitchen of Keziah. And यहाँ पे हमारे साथ chef, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रईस खान. रईस से. रईस खान. रईस खान साहब, सलाम अलैकुम. मेरा नाम मोहसिन खान है. रईस भाई, अब हमें बताने वाले हैं कोरमा. चिकन दम लखनवी कोरमा. ओके. चिकन कोरमा पहले बता रहे, उसके बाद वेज कोरमा भी बताने वाले. तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे चिकन कोरमा. चिकन. चिकन कोरमा कैसे बनता है, चलिए रईस भाई अब आप बताने वाले. कितने साल से आपका एक्सपीरियंस? कितने? 15 साल हो गया. 15 साल का रईस भाई का चिकन कोरमा का एक्सपीरियंस अब आपके किचन में आने वाला है. कोरमा चिकन कमिंग इन योर किचन. बराबर बोला. हाँ, लेट्स गो फॉर इट. चलिए, क्या क्या लगेगा? पहले दही लगेगा. ओके, तो यहाँ पे ये दही है. ऑलराइट. सबसे पहले दही लगेगा जी. शुरू आप बना दे रहे हैं. ये दही लगेगा जी. धनिया पाउडर लगेगा. धनिया पाउडर है. धनिया पाउडर. फिर ये लाल मिर्ची पाउडर लगेगा. लाल मिर्ची पाउडर लगेगा. फिर ये काला मिर्च, जीरा लगेगा जी. काली मिर्च लगेगा जी. और तेज पत्ता. तेज पत्ता है. और जावित्री, बड़ी इलायची जी. और दालचीनी, लकड़ी. ओके ओके. उसके बाद जिंजर गार्लिक पेस्ट लगेगा जी. ऑयल लगेगा जी. सॉल्ट लगेगा. स्वाद स्वाद अनुसार. थोड़ा सा काजू पेस्ट पड़ेगा जी. ये काजू पेस्ट. हाँ, काजू पेस्ट थोड़ा सा. ये उबला हुआ काजू का आपने पेस्ट बना दिया. ये उबला हुआ जो काजू का पेस्ट बनेगा. और कितना काजू लेना होगा ये पेस्ट? ये एक क्वेश्चन में लमसम 40 ग्राम. 40 से 50 ग्राम काजू को आपको उबालना है. उसको ग्राइंडर में वॉइंग वॉइंग करना है. हाँ जी, आप शुरू करिए. सबसे पहले क्या कर रहे हैं? दही. ओके, मैंने देखा आपने गैस शुरू नहीं किया है, क्यों ऐसा? क्योंकि ये दही फटने का चांस रहता है. अच्छा, दही में आपने अब ये क्या डाल रहे हैं? जिंजर पेस्ट. गार्लिक जिंजर पेस्ट. गार्लिक जिंजर पेस्ट. रिमेम्बर आपको तवा ऑन नहीं करना है. ये जीरा है. ये जीरा है. ये लौंग है. लवंग. एक तेज पत्ता है. एक तेज पत्ता. और ये दालचीनी की जावित्री है. जावित्री है. ये छोटी, ये बड़ी इलायची. बड़ी इलायची एक पीस. और ये जो है दालचीनी लकड़ी है जी. और ये हो गई लाल मिर्ची. ये थोड़ा सा जी. ये हो गया जो है धनिया पाउडर 1 चम्मच. धनिया पाउडर 1 चम्मच. थोड़ा से जीरा पाउडर. जीरा पाउडर. ओके. थोड़ा से गरम मसाला. और ये गरम मसाला हल्का सा. ये हो गया आपका तेल. हल्का सा तेल डालना है. रिमेम्बर गैस ऑन नहीं किया है. और ये अब डाल रहे हैं काजू पेस्ट. काजू पेस्ट. ओहो, क्या बात है. ये जो है फिर इसको मैश करना पड़ता है पहले से, तब ये गैस जलाना पड़ता है. अच्छा, ये ट्रिक आपको शेफ बता रहे हैं. शेफ कह रहे हैं घर में भी आप बना सकते हैं. घर में आप जब बना रहे हैं तो ये पहले मिक्स करिएगा, बाद में गैस ऑन करिएगा. दही फटने का चांस पूरा होता है. अच्छा, जो खटास आ जाती है दही की वो नहीं आएगी. वो खत्म हो जाता है पकने के बाद. जी 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 जी. अगर आपको ज्यादा थोड़ा लगे तो थोड़ा और पेस्ट डाल दीजिएगा. और शाही कर दीजिए काजू पेस्ट डाल के. अब गैस ऑन कर रहे हैं. रिमेम्बर गैस चूल्हा जो है अब ऑन किया है ये. जी, यहाँ पे अगर कुछ मिस ना हो जाए, इसलिए इवन आई एम कीपिंग अ बैकअप कैमरा इन माय हैंड. ओके, एक आध मसाले भी मिस नहीं होना चाहिए वरना आपकी रेसिपी. ओके, ये अच्छे से पकना चाहिए जी. ये जब अच्छे से पकेगा, हाफ जब पक जाए तब ब्राउन प्याज इसका पेस्ट जो इसमें जी होगा. तो ये जो ब्राउन प्याज मैं देख रहा हूँ, ये कैसे आपने बनाया? ये तेल में फ्राई होता है. ये तेल में फ्राई होने के बाद तब ये निकाल के फिर इसको इमाम दस्ते में कूटो या मिक्सर में ग्राइंड कर लो आप. अच्छा, तेल में फ्राई होने के बाद. तेल में फ्राई भुना हुआ जो कांदा है उसको आप मिक्सर में आप जब पेस्ट बनाते हैं तो ऐसा बन जाता है. और ये अब इन्होंने नमक डाला है स्वाद अनुसार. स्वाद अनुसार. ये हमारा कोरमा जो है पकने में थोड़ा सा टाइम लगेगा. अच्छा, ये घर में. फिर ये इसके बाद में थोड़ा सा प्याज और डाल रहा हूँ. ये अब हम बना रहे हैं चिकन कोरमा. चिकन कोरमा. आय हाय, क्या बात है. और चिकन कोरमा कितने का मिल जाता है? सो अगर आप केजिया से ऑर्डर करना चाहते हैं, सो इफ यू आर देयर इन अंधेरी, यारी रोड, वर्सोवा, या फिर अगर आप पार्टी ऑर्डर देना चाहते हैं बल्क में, तो वो पार्टी ऑर्डर्स ऑल ओवर मुंबई आप ले रहे हो. ओके, सो पार्टी ऑर्डर्स ऑल ओवर मुंबई. आपकी पार्टी में 4 चांद लग जाएंगी, आप इन्हें ऑर्डर करिएगा. सो व्हाट आई वाज सेइंग इज, तो ये अब मेन्यू वेबसाइट्स पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं प्राइसिंग.
ये घर में भी बना सकते हैं जी, जैसा तेज खाना तेज बना सकते हैं, मिर्ची डाल सकते हैं। अच्छा, नॉर्मल तो नॉर्मली तो बेस्ट होता है, जो बच्चे और बूढ़े सारे सब खा सकते हैं। स्पाइसी करना चाहो तो आप स्पाइसी भी कर सकते हैं। हाँ, स्पाइसी करना चाहो तो आप लाल मिर्ची तेज वाली और एक्स्ट्रा ऐड कर दीजिए। और इसमें जो है ये कश्मीरी मिर्ची नहीं पड़ता है। अच्छा, कश्मीरी मिर्ची नहीं पड़ रही है। Once again, thank you so much for all the love that you've been giving. And जी जी जी, एक बार ये चिकन दिखा दीजिए। एक मिनट। तो ये उबला हुआ चिकन है। ये रेडी चिकन है जी, बॉइल्ड चिकन है। वैसे कच्चा भी पड़ता है, कच्चे में और थोड़ा मजा होता है, तो कच्चे ही समझ लो कि जो कच्चे ही मैंने सुबह किया है। सेमी बॉइल्ड है, मतलब हाफ बॉइल्ड है, हल्का सा बॉइल्ड चिकन है। पूरा फ्लेवर जो इसके अंदर आ जाए चिकन का, ठीक है। एक पोर्शन में चार अच्छे खासे पीस आपने डाल दिए। हाँ, चार पीस जी, ठीक। क्या बात है। उसके बाद थोड़ा सा पानी पड़ेगा इसके अंदर जी, ताकि पानी जो है ना ज्यादा नहीं पड़ेगा। हल्का सा पानी पड़ रहा है। नहीं पड़ेगा तो ये लखनवी कोरमा, ये मुर्ग लखनवी कोरमा, मुर्ग लखनवी कोरमा। हाँ, क्या बात है। हाँ, आप लखनऊ से? जी हाँ। एक आध शेर सुना दीजिए। शेर तो हमको नहीं आता। लखनऊ की तहजीब और वो जो नवाबी पना है, ये तैयार हो गया। बट यार मैं आपको बता दूं, ये क्या नाम है? ये मीठा इतर है, फ्लेवर के लिए मीठा इतर। एक ये दिखाना होगा ऑडियंस को। अच्छा, ये मीठा इतर है, मीठा इतर है, एडिबल है। ये वो लगाने वाला इतर नहीं है, प्लीज ये। हाँ, और ये भी दिखा दीजिए। ये केवड़ा है। हाँ हाँ, खुशबू है ये, खुशबू खुशबू और फ्लेवर। हाँ, ये केवड़े का पानी है। हाँ, ये भी आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगा, एडिबल केवड़ा वाटर। ओके, प्लीज रिमेम्बर दैट, एडिबल केवड़ा वाटर है। तो ये आपका तैयार है, ये रेडी भी हो गया। अरे क्या बात है शेफ। और ये गर्मा गर्म, अब बाप, वाओ। और अब इसे आप गार्निश करने वाले हैं। ये जिंजर है जी। ये जरा से धनिया। क्या बात है। लखनवी लखनवी चिकन कोरमा, लखनवी चिकन कोरमा जो है हमारा, ये अब रेडी हो गया है। खुशबू बहुत ही बढ़िया आ रही है। अगर ज्यादा खुशबू दे तो थोड़ा सा गरम मसाला आप, और गरम मसाला डाला है। अब गर्मा गर्म मसाले वाली खुशबू और कोरमा की खुशबू बहुत ही बढ़िया आ रही है। और इसका स्वाद कैसा है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन वंस अगेन थैंक यू सो मच शेफ, आपने ये रेसिपी शेयर की और 15 साल का एक्सपीरियंस आपके किचन में आया है। सो व्हाट यू हैव टू डू इज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस टू माय चैनल एंड शेयर दिस वीडियो, स्प्रेड लव एंड खुशियां बांटे। और डेफिनेटली केजिया से आप ये कोरमा ट्राई जरूर करें। डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर है, मैं सैंपल करता हूँ। एक शेर सुनाए शर्मा सुनाल भी सैम्पलिंग द लखनवी चिकन कोरमा जो शेफ ने बनाया है। और ये चिकन कोरमा का स्वाद कैसा मैं आपको बताता हूँ। मज़ा आ गया। ओके, ग्रेवी ले लेते हैं थोड़ा, और इसे खाएंगे हम बटर नान के साथ। आहा, क्या बात है, गर्मा गर्म बटर नान, चिकन कोरमा, ये ऐसे लेना है आपको। ये मसाला खाएंगे आप, आ करिए, मैं खा लूँगा। वाह, क्या बात है, बहुत ही सुपर्ब है, मसालेदार है और
ये चिकन के पीस के साथ एकदम ही लाजवाब है, क्या बात है, मजा आ गया है। सुपर विद गुड, जरूर इस कोरमा को आप घर पे ट्राई करिएगा, बहुत ही क्विक एंड इजी टू मेक है। और जो काजू की रिचनेस है वो आ रही है, मसालों का स्वाद आ रहा है, और इसे आप जब भी आप ट्राई करेंगे मटर नान के साथ भी ट्राई करिए। वाओ, सो आई रियली एंजॉयड इट एंड इट्स नॉट दैट वेरी स्पाइसी आल्सो, और पैलेट पे एकदम स्लोली फ्लेवर्स आपके मजे लेंगे आप फ्लेवर्स के। एंड मैं तो एक ही चीज़ कहूँगा, आप डेफिनेटली ऑर्डर करिएगा इसे केज़िया से, ओके, दे डिलीवर एट योर प्लेस इफ़ यू आर देयर इन अंधेरी इन मुंबई, एंड अगर नहीं आप मुंबई में हैं तो आप घर पे ज़रूर इसे ट्राई करिएगा, और हमें कमेंट्स ज़रूर आप दीजिएगा, और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। मुझे इन्जॉय करने ही दीजिए, मैंने बहुत सारी बातें कर ली, थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव, ऐसे ही लव शेयर करें, इस वीडियो को शेयर करें एंड स्प्रेड स्माइल्स, टिल देन मैं इसे खाता हूँ। हाँ, गिव मी वन मोर प्लेट ना।